भगत सिंह अमर है, शहीद सुखदेव अमर है, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं पहले तो शहीदों को नमन करूंगा और उनके शहादत पे फिर से नमन करता हूं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों ने जिस प्रकार से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिया था, उस हिसाब से देश को आज़ादी मिली। कुछ वर्षों में इनको, जैसे कि अपन जो अभी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों ने इनको पीछे रख दिया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, फिर से जोरों से भगत सिंह अमर जी से और राजगुरु जी की जयंती हर जगह, शहीद दिवस भी मनाया जा रहा है। अच्छे जब की जयंती आती है तो जयंती भी मनाई जाती है। बहुत ही भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 151 के हमारे अध्यक्ष नित्या नाडार जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहे। अमर शहीद, जय हिंद, जय भारत। पहला तो मैं सभी शहीदों जिन्होंने अपने जान बलिदान दिए देश के स्वतंत्र और आज भी बलिदान देते आ रहे हैं, उनको पहला उनका पैर छूकर उनको नमन करता हूँ। और मैं आप अभी बोले गोयल जी ने जैसा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के उन्होंने अपने फांसी के फंदा भी हंसी चेहरे से स्वीकार लिए, ऐसे भी आज के युवा लोग भी ये वही है। आज भी अपने देश के लिए कुछ संकट आए तो हमारे युवा एक साथ खड़े होते हैं और देश के लिए आगे खड़े रह के उनका जान का भी बलिदान देते आ रही है। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता गोयल जी ने बताए, इसका पहले का सरकार तो ना अपना चरित्रों का सामने लेके आता है, ना अपना क्रांतिकार जो भी है, और अपना देश के लिए जो बलिदान देते हैं जान, उनको भी मान सम्मान नहीं देते। जो देश जिनका चरित्र और जो स्वतंत्र के लिए उन्होंने जान दिए, उनको भूलते हो, देश कभी तरक्की नहीं हो सकती है। और उसका उदाहरण है अपना देश, भारत देश, क्योंकि हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी सभी को जो भी देश के लिए जान देते हैं उनको आज भी सम्मान देते आ रही है। और भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जिनको देश इतना साल से भूली थी, 2014 के बाद अपने हमारे मोदी सरकार आए, उन्होंने देश को पूरा विश्व को दिखाया कि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे वीरो है जो अलेक्जेंडर को भी टक्कर दे सकते हैं दुनिया में। जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने कैसे अपने भविष्य, देश का भविष्य जो युवा पीढ़ी पर रखे, वही है आज भी, जो मोदी जी भी वही रास्ते पर चल रहे हैं। उनके भी मालूम है बिना युवा पीढ़ी से अपना देश नहीं आगे तरक्की कर सकते, क्योंकि उनका जो भी दिमाग और जो भी उनका मेहनत अपने देश के लिए लगना चाहिए। जो भी आजकल तो कम हो गया, क्योंकि अपने मोदी सरकार आने के बाद स्टार्टअप प्रोग्राम ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम लेके आए जिससे युवा बाहर नहीं जाते, खुद का बिजनेस चालू करते हैं और अपना देश को तरक्की करने के लिए उनका जी जान लगाते हैं आज हर क्षेत्र में। मौका मिला है कि इनके श्रद्धांजलि देने का, भगत सिंह जैसे महान पुरुष गुरु जी हैं, फिर सुखदेव जी हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, उनकी श्रद्धा और उनकी कर्तव्य जो उन्होंने किया है वो हम नौजीवक को मिले और उसके कामों पर हम देशवासी चले। हमारे देश के क्रांतिकारी नेता राजगुरु, सुखदेव,
और भगत सिंह, इनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। हमारे जो ये तीन नेता हो गए, तीन क्रांतिकारी हो गए, वो इनकलाब के लिए अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, अपने रिश्तेदारी को नहीं देखा, लेकिन देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। आज ये परिस्थिति है कि इनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता के नित्या भाई है जो वार्ड के अंदर आज ये इतना कार्यक्रम रखते हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामसुभ जी को धन्यवाद देता हूँ, नपुर गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे क्रांतिकारी देश के लिए, आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनको हमेशा याद करते हैं, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी वाले हर जगह पे करते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा, और देश के जो क्रांतिकारी नेता हैं इनको हम याद करते रहेंगे, ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम हमारे उत्तर मध्य मुंबई के लोकप्रिय खासदार प्रमताय महाजन के नेतृत्व में जो आज हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही काबिले तारीफ है। नमन की बात आती है तो ये भारत के सपूत है, हम जो आम जनता है ये माता पिता के सपुत्र हैं, इसका मतलब बहुत ही भारत का सपूत कहना जाना बहुत बड़ी काबिलियत है, और इतिहास में नाम दर्ज है इनकी, और क्रांतिकारी हैं तो इनको नमन करना, इनके प्रति 0.5% भी हम इनकी यादगार में हम करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, तो इनको हम, मैं भी हृदय से भी इनको नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इन शहीदों को नमन करता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता की आज़ादी के जश्न में मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि इनकी शहादत को भूलना नहीं चाहिए, और इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से हमेशा ये प्रूव होता आया है कि इनका आदर्श लेके हमारा युवा चले, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे सुखदेव जी हो, चाहे राजगुरु जी हो, ऐसे क्रांतिकारियों से हम युवाओं को हमेशा प्रेरणा मिलती थी और मिलती रहेगी, और इनकी प्रेरणा लेके आगे हम भी देश के लिए कुछ कर सके ऐसा जज्बा हमारे अंदर जागता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।